हेलो ट्वेल्थ स्टूडेंट, चलिए मैट्रिक्स के अंदर आप नए टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक आज का अपना है सिमेट्रिक एंड स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और आपका स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज अपन। ठीक, पहले अपन देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद अपन स्केल सिमेट्रिक की तरफ आएंगे। सपोज पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई मैट्रिक्स ए से कोई लिया मैंने ए प्लस ए डैश। ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जाएगा और वापस अगर आप एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो क्या मिल जाता है अपने को, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहां पर अगेन ये मिल जाएगा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस ए मिल जाएगा। अगर इसको वापस अरेंज करते तो क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस ए ट्रांसपोज मिलेगा अरेंज कर दो तो एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया अपने और ये क्या मिल गया वापस अपने को, एक्स इक्वल टू क्या था अपना ए प्लस ए मैट्रिक्स था स्टार्टिंग में। ठीक, उसका ट्रांसपोज लिया था तो x मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर आपको वापस क्या मिल गया, x ही मिल गया। क्या मिल गया, x ही मिल गया। तो इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। है बस में इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, किसकी, अगर इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें अगर अपन, जैसे सपोज करा मैंने कोई मैट्रिक्स y को ले लिया a माइनस ए डैश, ले लिया y इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। अब अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूं मैं, जैसे y का ट्रांसपोज, तो इधर भी आपको क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहां पर अगर इसका वापस रेगुलर फॉर्म होगा अगर आपका ट्रांसपोज का, तो a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गले लीजिए, तो y मैट्रिक्स का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस यहां पर क्या मिल जाएगा देखो a, अगर यहां पर इसको अरेंज करो तो माइनस का ए और प्लस का ए ट्रांसपोज, यानी वाई मैट्रिक का ट्रांसपोज। यहां कुछ कॉमन देख लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए मैट्रिक का ट्रांसपोज, यानी वाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और ये क्या मिल गया वापस अपने को, मैट्रिक्स वाई मिल गया। क्या मिल गया वापस, मैट्रिक्स वाई। तो देखिए अगर अपने किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया और अगर अपने को वापस वही मैट्रिक्स मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर अगर आपने किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया उसको माइनस करा और अगर अपने को माइनस में मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, स्केल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों चीजें बेसिक है, ध्यान रखिएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, किसी मैट्रिक का अगर आप ट्रांसपोज लो, किसी मैट्रिक का अगर अपन ट्रांसपोज ले, मान लो एक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया आपने और अगर अपने को क्या मिले वापस, वही मैट्रिक्स मिल जाता हो, यानी अगर मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज लेते हो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो तो क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पर अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर आपको माइनस में वो मैट्रिक्स मिल जाए तो आपका इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये नोट लीजिएगा, थोड़ा बेसिक है, मैं इसके आगे और थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, जल्दी नोट कर लो। तो ये तो अपना सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिक चीजें। अब अगर मैं इससे आगे थोड़ा सा देखूं तो देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो होती है वो मैं लिख के बताता हूं, क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक थ्योरम इंपॉर्टेंट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान समझिए क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, जैसे मॉन एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये किसका सम होगा, एज द सम ऑफ
सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसका सम हो जाएगा। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये ए प्लस ए डैश बाय टू का, और साथ में सम होगा ए माइनस ए डैश बाय टू का, इन दोनों का सम होगा। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। अगर इस थ्योरम की बात करें अगर, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा। देखो अगर दोनों जगह टू है तो एल्सियम टू आ जाए आपका, वापस ए प्लस ए मैट्रिक्स, यहाँ पर ए माइनस ए मैट्रिक्स हो जाए, प्लस वन माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो वन और वन कितना हो जाएगा टू आ जाएगा, और अपॉन टू टू से हो जाएगा, वापस बन जाएगा ए बनेगा। यानी अपन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। वास्तव में इसी को इस तरीके से लिखा गया। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके डेरिवेशन करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को दे देगा और बोलेगा कि उसको सिमेट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में जमाइए, उसको सॉल्व कीजिए। या उस मैट्रिक्स का जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि एक मैट्रिक्स ए है, वन टू थ्री फोर करके मैट्रिक्स दे देगा और आपसे बोलेगा इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करो, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करो, तो अपने को उसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे पर इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसका, तो ये ध्यान से समझिएगा। आपकी फिर कॉपी जो हो उसमें नोट्स के रूप में लिख देगा, ताकि अपन इसके अगले वाले वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है।